हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नई वीडियो में। आज के टॉपिक में नेटवर्क को रीसेट कैसे करते हैं, मतलब कि नेटवर्क प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं बताऊंगी। अगर आपके यहाँ वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है तो वाईफाई प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, ये सब इस वीडियो में सब बताऊंगी। नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो आपके में छोटा मोटा, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास रियलमी का फ़ोन है, आइए शुरू करते हैं एंड बिना कुछ देरी किए। एंड सबसे पहले आपको सेटिंग ऐप ओपन करना है एंड इसके बाद आपको सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन भी क्लिक करना होगा। लास्ट में आपको दिख जाता है ये ऑप्शन एंड इसके बाद आपको यहाँ दिख जाता है ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखता है बैकअप एंड रीसेट एंड इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखेगा रीसेट ऑप्शन एंड इस पर क्लिक कर देंगे। रीसेट सेटिंग रीसेट नेटवर्क सेटिंग एज इस पर क्लिक कर देंगे। जो भी आपने स्क्रीन लॉक लगा रखी है आप इसे ड्रॉ कर लेंगे एंड स्क्रीन और पैटर्न ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ दिखता है रीसेट नेटवर्क सेटिंग एंड इस पर क्लिक कर देंगे और आपका नेटवर्क रीसेट हो जाता है। एंड अगर वाईफाई कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस तरीके से नेटवर्क को रीसेट करते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एंड अगर आपका ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप रीसेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके ब्लूटूथ में कोई प्रॉब्लम आया कनेक्ट करने में तो आप एक बार नेटवर्क को रीसेट करते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, मेरी वाईफाई प्रॉब्लम कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा था सही पासवर्ड डालने के बावजूद, तो फ्रेंड्स आपका इस तरीके से आता है तो आप एक बार रीसेट करते हैं तो प्रॉब्लम जो होता है सॉल्व हो जाता है। एंड इस तरीके से आप अपने फ़ोन में नेटवर्क को रीसेट कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। तब तक नमस्कार।